गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय सेल्फ रियो और स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो में मैं जो आप सभी से दो अचीवमेंट्स के ऊपर बात करूंगी। एक तो गाइस आप लोग का यहां पे परफेक्शनलिस्ट था, साथ में गाइस आप लोग का एक ओपन सीसीएम करके अचीवमेंट था। तो गाइस यहां पे बता दूं कि आप लोग का जो एक अचीवमेंट है उसको गाइस काफी ज्यादा यहां पे इजी कर दिया गया है। साथ में गाइस जो आप लोग का सेकंड अचीवमेंट है उसको बहुत बहुत ज्यादा जो टफ कर दिया गया है। तो गाइस एक एक करके दोनों के बारे में बताती हूं आप लोगों को। और गाइस आप लोगों को भी जैसा कि पता ही होगा कि गाइस आप लोगों को यहां पे जो परफेक्शनलिस्ट वाला अचीवमेंट है उसके अंदर गाइस आप लोगों को जो 6 सीजंस के अंदर आरपी परचेस करनी रहती थी और गाइस उसी से आप लोगों को कुछ अचीवमेंट्स पॉइंट्स मिलते थे। तो गाइस अब आप लोगों के मन में डाउट आ रहे होंगे कि हम लोग का जो एक सीजन होता है यानी कि गाइस आप लोगों का जो अब 50-50 करके आता है M1 एंड M2 करके, तो गाइस अब हम लोग को जो 50-50 आरपी दो बार करना होगा तो हम लोग का क्या एक बार काउंट होगा? तो गाइस ऐसा बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप लोगों का क्या होगा कि सिंपली आप लोगों को जो 50 आरपी करनी रहेगी, एक मतलब कि यहां पे M1 के अंदर 50 कर लोगे तो गाइस आप लोग का जो यहां पे है एक पॉइंट काउंट हो जाएगा। इसी टाइप से गाइस आप लोग का यहां पे देख सकते हैं कि 6 मंथ्स में अगर आप लोग लेते हैं 6 बार तो गाइस आप लोग का 6 काउंट हो जाएगा एंड गाइस यहां पे आप लोग का अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगा 6 मंथ्स में ही। तो गाइस यहां पे मेरा जो अचीवमेंट है 1 साल के अंदर कंप्लीट हुआ था, क्योंकि गाइस पहले यहां पे ये सीन था कि हम लोग को क्या था कि एक सीजन हमारा दो मंथ्स का होता था एंड गाइस यहां पे हमें 1 साल लग गए थे 6 सीजंस का रॉयल पास लेने के बाद। तो गाइस अब आप लोग का जो यहां पे 6 मंथ्स का रॉयल पास लेने के बाद ही ये अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का एंड गाइस आप लोग को जो 1 ईयर तक वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो गाइस आप लोग का सेकंड अचीवमेंट हुआ परफेक्शनलिस्ट वाला। और गाइस यहां पे आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि गाइस आप लोग का जो 6 मंथ्स में कैसे गाइस कंप्लीट हो जाएगा अचीवमेंट। तो अब गाइस यहां पे आप लोग का एक और अचीवमेंट है जिसका नाम गाइस यहां पे ओपन सीसीएम करके है एंड गाइस इसके अंदर आप लोगों को क्या करना रहता था कि गाइस आप लोगों को देख सकते हो आरपी क्रेट्स ओपन करने रहते थे जो कि गाइस आप लोगों को यहां पे जो 10 मिशंस कंप्लीट करने के बाद मिलता था। और गाइस काफी सारे लोगों को याद भी होगा कि आप लोगों का जो यहां पे जो क्रेट रहता था उसके अंदर हमें यहां पे 200 आरपी पॉइंट्स मिलते थे। तो यस गाइस वही वाला आप लोगों का यहां पे क्रेट है एंड गाइस जब से आप लोगों का यहां पे सीजन मैच टाइमिंग आया तब से गाइस इसको कम करके 8 से कम करके और गाइस इसको सिर्फ 5 कर दिया गया था। तो गाइस इसके बाद आप लोगों का जब से यहां पे साइकिल 1 सीजन 1 आया तो गाइस यहां पे देख सकते हैं आप लोगों का जो 1500 मिनट यहां पे जो सरवाइव करना रहता है आप लोगों को मैच के अंदर, तो गाइस इसको कंप्लीट करने से आप लोगों को जो 1 मंथ में 2 जो यहां पे पॉइंट्स मिलते हैं जो कि गाइस आप लोगों का अचीवमेंट में काउंट होता है 540 पे गाइस 1 होता है। तो गाइस इस टाइप से देखा जाए तो आप लोगों का जो 1 मंथ में 2 बारी बस मिलता है एंड गाइस 1 सीजन की बात की जाए तो बस आप लोगों को 4 बारी मिलेगा जो कि गाइस पहले आप लोगों को जो 8 बार मिला करता था। तो यस गाइस यही था। और बाकी गाइस ये भी बता दूं आप लोगों को कि गाइस अगर आप लोग जो अभी से ये ओपन सीसीएम वाला इवेंट मतलब कि अचीवमेंट को यहां पे कंप्लीट करने जाओगे तो गाइस आप लोगों को यहां पे 4-5 साल ऐसे ही लग जाएंगे कंप्लीट करने में। तो गाइस यहां पे आप लोगों का एक सीजन में यानी कि गाइस आप लोगों का 2 मंथ के अंदर आप लोगों का बस 4 बारी काउंट होगा जो कि गाइस पहले आप लोगों का 8 बार काउंट हुआ करता था। तो यस गाइस यही दोनों अचीवमेंट के बारे में आप लोगों को बताना था जो कि गाइस एक आप लोगों का काफी ज्यादा इजी कर दिया गया है एंड गाइस साथ में सेकंड वाला काफी ज्यादा हार्ड कर दिया गया है। तो यस गाइस बेसिकली यही बताना था आप लोगों को दोनों अचीवमेंट्स के बारे में। तो बाकी गाइस मैं मिलती हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।